अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कामरान फ्रॉम मिस्टर टेक्नोस्टार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ज़ोंग डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज़ोंग डिवाइस यानी कि ज़ोंग बोल्ट प्लस का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, वो भी किसी सॉफ्टवेयर के बगैर। दोस्तों अगर आपने डिवाइस किसी से ली है या फिर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका पासवर्ड बिल्कुल ही आराम से 6 या 7 सेकंड में खुद सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि उसका पासवर्ड हम कैसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड उन्होंने वाईफाई की के नाम से पुट किया हुआ है, जो कि ज़ोंग की बैक स्लाइड पे होता है। जब भी आप किसी भी ज़ोंग डिवाइस को आप रीसेट करेंगे, उसका पासवर्ड रीसेट करेंगे, तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जो कि उन्होंने प्रीवियसली सेट किया होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि ज़ोंग जो डिवाइस है उसका पासवर्ड हम कैसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन स्लाइड उतारी है उसकी बैक साइड पे, जहाँ पे रीसेट का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। रीसेट के साथ ही उन्होंने एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जिसको हमने प्रेस किए रखना है 6 या 7 सेकंड्स के लिए। तो अभी मैं उस बटन को प्रेस करता हूँ। जब ये डिवाइस ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगी तब हमारा पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। अभी मैं उसी बटन को 6 या 7 सेकंड्स के लिए प्रेस करता हूँ। ये दोस्तों अभी मैंने डिवाइस को रीसेट करने के लिए प्रेस किया हुआ है। अभी 6 या 7 सेकंड्स के बाद देखिएगा, ये देखिए डिवाइस अभी ब्लिंकिंग करना शुरू हो गई है। तो ब्लिंकिंग करने के बाद बिल्कुल एकदम वैसी प्रीवियस हालत में आ जाएगी, कंडीशन में आ जाएगी, तो ये डिवाइस बिल्कुल ही रीसेट हो जाएगी। ये तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दिस इज़ कामरान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।